सावन के पहले सोमवार पे भगवान शिव के सामने अर्जी लगाने के लिए हरियाणा के नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं और घर में समाज में सुख शांति की प्रार्थना के साथ अर्जी लगाने के लिए जो है वो नल्हड़ महादेव मंदिर में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो इस वक्त नल्हड़ महादेव मंदिर पर जो है वो पहुंची हुई है और जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा लेकर के जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो माथे पर चंदन लगा करके जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक करने के बाद जो है अब यहाँ से जो शोभा यात्रा है वो भी निकलनी है और फिरोजपुर झिरका होते हुए पुरहाना के श्रृंगार मंदिर तक जो जलाभिषेक यात्रा है वो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो जलाभिषेक लगाने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यही वो मंदिर है जहाँ पर पिछले साल जो है वो सख्त झड़प देखने को मिली थी, शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था जिसके बाद हिंसा बढ़ गई थी और जिसमें जो है कई लोग घायल भी हुए थे और जो है मौत भी जो है वो हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है। 2000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी और IRB के जवान और RAF के जवान जो है वो यहाँ पर उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन पूरे मंदिर परिसर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर पिछले साल 3 घंटे तक गोलीबारी जो है वो की गई थी क्योंकि ये मंदिर जो है वो अरावली के जो पर्वत हैं उनसे ये मंदिर घिरा हुआ है और इन्हीं अरावली के पर्वतों में जो अराजक तत्व हैं वो छुपे हुए थे और वहीं से वो गोलीबारी जो है वो कर रहे थे जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें मंदिर में 3 घंटे तक जो है वो शरण जो है वो लेनी पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ हम श्रद्धालु से बात करेंगे। आए हैं आप लोग यहाँ पर जलाभिषेक यात्रा करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन पिछले साल यहीं पर दंगे भी हुए थे, क्या कोई डर कोई दहशत इस तरीके? इस बार कोई दहशत नहीं है, बहुत खुशी है कि भोले बाबा ने हम दोबारा इसी रूप में बुलाए। पिछली बार भी आ पाई थी? पिछली बार हम नहीं आए पाए थे भैया। क्या 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 अर्जी लगाई है, क्या अर्जी लगाने के लिए आई है? अब यही आए प्रार्थना है, यही प्रार्थना है भोले बाबा सुख शांति रहे हमारे नूह के अंदर, ऐसी यात्रा होती रहे, ऐसी यात्राएं जो है वो होती रहे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। अम्मा पिछले बार यहीं पर दंगे हुए थे, इस बार भी कोई डर या ना है? ना कुछ कुछ भी ना है, कुछ भी ना कोई। हाँ कोई हाँ भी ना डर क्या आई। ठीक है, आप क्या क्या मन्नत मांग, क्या प्रार्थना लेकर के आई हैं? भोले बाबा के ऊपर आए जी, ऊपर वाला ही करेगा जो कुछ करेगा जी, और कुछ नहीं है। ठीक है, और भी कुछ लोगों से। चाचा यही वो मंदिर था जहाँ पर पिछले बार हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी, इस बार भी कोई मन में डर है? नहीं कोई डर नहीं, डर किस लिए, कोई डर नहीं है। क्या मन्नत, क्या मन्नत, क्या प्रार्थना लेकर के आए हैं भोले बाबा से? बढ़िया प्रार्थना लेकर आए बाबू जी। क्या मांग रहे हैं? शांति का दान, शांति शांति मांग रहे हैं आप? सबके सुख समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। कोई डर या कोई खौफ का भी माहौल पिछले साल जिस तरह? डर नहीं था, अब भी डर नहीं है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। हाँ, कोई डर, कोई कोई डर नहीं है। हाँ, क्या मांगनी है? बस सुख शांति। हाँ, क्या मांग रहे हैं बाबा? हम भक्ति और स्वास्थ्य जीवन मांगने के लिए आए हैं। हाँ, भक्ति दे परमात्मा हमें और जो है अच्छा स्थान दे और स्वास्थ्य जीवन दे। अच्छा, पिछली बार यही मंदिर था, 3 घंटे तक श्रद्धालु यहाँ पर फंसे रहते, पहाड़ों से जो है गोलीबारी हो रही थी, क्या इस बार भी कोई डर कोई दहशत का माहौल? नहीं डर कोई नहीं, पिछली बार भी हम आए थे और आए थे पुलिस कस्टडी में, 4 गाड़ी करी थी उससे हमने पूरी यात्रा की थी पिछली बार। लेकिन इस बार जो माहौल बनाया है जिसको हम भाई कहते हैं भाईचारा, इस बार इन्होंने असली भाईचारा निभाया क्योंकि जगह जगह ये भाई जो है पानी पिला रहे हैं, तो इस बार हमको असली भाईचारा दिख रहा है, दिख रहा है असली भाईचारा जो है वो दिख रहा है। लेकिन इसी तरीके से जो भक्तों का तांता है, जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर काफी लगी हुई है, मंदिर के प्रांगण तक के बाहर तक जो है ये भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर कोई हर भक्त यही चाह रहा है कि जिस तरीके से जो है वो मंदिर के परिसर में एंट्री मिले और यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। कैमरा पर्सन राजेश कुमार मीना के साथ अहमद बिलाल, ABP News, New Haryana. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.